हेलो स्टूडेंट्स आई नीरज शर्मा वर्किंग इन सूरज स्कूल एंड वी हैव टू डिस्कस आवर एक्सरसाइज 15.1 पॉइंट वन टिल क्वेश्चन सेवनटीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे कह रहे बोट्स कंटेन टन नाइनटी डिस्ट विच आर नंबर्ड फ्रॉम वन टू नाइंटी इफ वन डिट्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बोट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बीयर्स ओके सो so स्टूडेंट्स ऐसे हमने क्वेश्चन किए हुए भी हैं आसान क्वेश्चन है एक जैसे बॉक्स है ठीक है तो उसके अंदर कुछ डिट्स रखी हुई हैं जिनका नंबर है वन टू थ्री फोर अप टू नाइन्टी तक नंबर उन डिस्ट का मतलब कितनी डिट्स हुई पहले एट डिस्ट है उस पर वन नंबर लिखा हुआ है एट डिट्स है उस पर टू लिखा हुआ है एट डिस्ट है उस पर थ्री लिखा हुआ है ऐसे नाइन्टी तक लिखा हुआ है तो ऑबियसली बात है नाइन्टी डिस्ट टू हुई टोटल सो अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे हमसे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है किस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है उसके भी बारे में बता देता हूँ मैं रहा है एक डिक्स को निकाला गया तो बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो डिक्स बाहर आई वो एट टू डिजिट नंबर होगा ए टू डिजिट नंबर इस बारे में बात कर रहे हैं सो स्टूडेंट्स टू डिजिट नंबर आने के लिए हमारे फेवरेबल केसेस क्या होंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये फेवरेबल केसेस नहीं होंगे इनके अलावा सारे फेवरेबल केसेस होंगे तो मैं नाइन्टी में से कितने हटा दूँ सिर्फ नाइन हटाने वन टू नाइन बाकी सारे तो टू डिजिट होते हैं टेन से लेके नाइन्टी तक तो हमारे फेवरेबल केस तो हो गए स्टूडेंट्स एट्टी वन और टोटल केसेस थे नाइन्टी अब अगर तुम इनको चाहो तो नाइन से टेन सेल भी कर सकते हो एंड वी विल गेट नाइन बाय टेन ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है अब सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रोबेबिलिटी जो कि हम डेट्स निकालें उस पर जो नंबर लिखा हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो ये बात कर रहा है तो स्टूडेंट्स अब तुम्हें पता होना चाहिए जीरो से वन से नाइनटी के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं एक तो वन फिर फोर फिर नाइन और फिर आता है सिक्सटीन फिर ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एट्टी वन तो कितने हुए ये थ्री और थ्री सिक्स और थ्री नाइन सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा नाइन हमारे फेवरेबल केस अपॉन नाइनटी दैट इज वन अपॉन टेन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चलिए उसके बाद अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाय फाइव मीन्स जो भी हम डिक्स निकाले उस पर कुछ नंबर हुआ होगा जैसे डिक्स निकालिए उसमें नंबर आया ट्वेंटी फाइव तो वो डिविजिबल है फाइव से तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ नंबर डिविजिबल बाय फाइव अब स्टूडेंट्स वन से लेते हो नाइन्टी के बीच में कितने नंबर डिविजिबल बाय फाइव हैं सबसे स्मॉल है फाइव फिर उसके बाद टेन फिर उसके बाद फिफ्टीन टवेंटी इस तरीके से और लास्ट में है नाइन्टी तो ये कितने नंबर हो गए नाइन्टी को फाइव से डिवाइड कर दे सो इट विल बी एटीन सो क्या आया एटीन अपॉन नाइन्टी हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो रहे हैं एट्टीन कैसे सर देखो ये डिट्स निकालें तो नंबर जो आए उस पर वो डिविजल बाय फाइव होना चाहिए तो फाइव टेन फिफ्टीन ये सारे हमारे फेवरेबल केस हैं तो ये टोटल एटीन होंगे एटीन और इसको कैंसिल कर सकते हो वन बाय फाइव आ जाएगा सो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर एटीन अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ओके तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में बोल रहा है कि एट डाइस है और फेयर जैसा डाइस होता था वैसा नहीं है अलग तरह का डाइस है उसके सिक्स फेस है इस तरीके के एट फेस पे ए है दूसरे पे बी तीसरे पे सी सिक्स फेस मैंने बना दिए हैं तुम्हारे सामने एट पे डी एट पे ई e, और एट फेस पे वापिस से ए लिखा हुआ है इस तरह का है एट डाइस तो दो फेस ऐसे हैं जिसपे ए लिखा हुआ है ओके स्टूडेंट्स चलिए तो अब कह रहे हैं हमसे द डाइस इज थ्रोन वंस इस डाइस को एक बार फेंका तो प्रोबेबिलिटी अब दो पार्ट है पहले पार्ट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इन ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो स्टूडेंट्स बताओ इन सिक्स फेज में से हमारे पास ए कितने फेज पे आ सकता है दो फेज पे तो हमारे फेवरेबल टेस्ट कितने हो रहे टू और टोटल फेज कितने हैं सिक्स ये कैंसिल हो जाएगा आंसर विल बी वन बाई थ्री ओके चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये तो जैसे एक के आने की प्रोबेबिलिटी थी अब ऐसे ही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी डी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो डी के आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केस वन है टोटल सिक्स है सो इट विल बी वन बाय सिक्स अच्छा स्टूडेंट्स तुम समझ भी सकते हो देखो वन बाय थ्री और वन बाई सिक्स में कौन ज़्यादा होता है कौन बड़ा नंबर है वन बाय थ्री बड़ा है अब समझो ऐसा डाइस हो तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या डी के आने की ओबियस ही बात है ए के आने की तो इसीलिए ए की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर आई है डी की प्रोबेबिलिटी कम आई है क्लियर है स्टूडेंट्स सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डिस्कस करते हैं जिसमें हमें डाइग्राम भी जीवन है मैं डाइग्राम ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स इस, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार भी लगा हुआ है और स्टार का मीनिंग नीचे समझाया हुआ भी है कि नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बाकी कोई नहीं ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर ये तो कुछ भी लिख देते हैं तो हमें तो प्रिपेयर करना ही है सो so, स्टूडेंट्स इस तरीके का रेक्टेनल है जिसकी लेंथ दे रखी है थ्री मीटर और ये दे रखा है ब्रेथ दैट इज इक्वल टू तो टू मीटर अब क्या कह रहे हैं सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रेंडम ऑन द रेक्टनर रीजन शोन इन द फिगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई इन साइड द सर्किल विद डायमीटर मीटर अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इस तरह का सर्किल है जिसका डायमीटर गिवन गीवन है वन मीटर ओके अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो मैं बता देता हूँ कह रहा है इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ऐसे एक डाइस को फेंक दिया ठीक है इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक डाइस को थ्रो कर दिया अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाइस इस सर्कल के अंदर लाई करेगा सो तो स्टूडेंट समझने की बात है जब इस रेक्टेंगल के रीजन के अंदर फेंटा है तो इसी के अंदर ही रहेगा तो ये तो हो गया हमारा टोटल केस जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम बोलते थे मीन यहां यहां आ सकता है और ये हमारा क्या है फेवरेबल क्योंकि इसके अंदर रहने की तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लाई विल लाई इनसाइड इनसाइड द सर्किल विल बी इक्वल टू देखो फेवरेबल केस तो ऊपर अब ये फेवरेबल केस कितना है तो अब सर वन है या टू है इसका नंबर थोड़ी बताया जा सकता है तो ऐसे केस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम एरिया निकालते हैं ऊपर तो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ आवर फेवरेबल केस और डिनिनेटर विल बी एरिया ऑफ रेक्ट एंगल इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वा तो पाई आर स्क्वायर अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू हो जाएगी वन बाय टू सो वन बाय टू इंटू वन बाय टू क्योंकि डाई मीटर वन मीटर डी वन है तो रेडियस हाफ होगी ना ऑब्वियस सी बात है चलिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स सो so, स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लीजिए इसकी वैल्यू रख दीजिए ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय सिक्स सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा इस टू से इसको कैंसिल कर लो यहाँ गया एलेवन सो इट विल बी इलेवन बाय सेवन टू जा या सेवन सीट जा फोर्टी टू फोर्टी टू टू जाट्टी फोर सो मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो इसके अंदर लाई करे दैट विल बी एलेवन बाय एट्टी फोर सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करना था अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जैसा ये क्वेश्चन हमने किया भी था जो डिफेक्टिव और गुड पेन से रिलेटेड था इसमें बोल रहा है कि लोड कंसिस्ट ऑफ वन फोर्टी फोर बॉल पेन्स कितने पेन हैं वन फोर्टी फोर बॉल पेन्स हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब उसके बाद बोल रहा है ऑफ विच ट्वेंटी आर डिफेक्टिव इनमें से ट्वेंटी डिफेक्टिव है तो मैं बोल सकता हूँ ये तो हमारे पास टोटल था इसमें से ट्वेंटी तो डिफेक्टिव है तो स्टूडेंट्स अगर ट्वेंटी डिफेक्टिव है तो गुड वन कितने हो गए ट्वेंटी माइनस करो दैट विल बी वन ट्वेंटी फोर पेनस आर गुड वन चलिए ये हमने पता लगा लिया उसके बाद कह रहा है नूरी विल बाय ए पेन इफ़ इट इज़ गुड अब नूरी कोई लड़की है वो पेन खरीदने शॉप पे रही अब वो तभी परचेज करती है जब वो पेन गुड होता है ओब्वियसली बात है तुम भी जाओगे तो यही करोगे बट इट विल बट विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव ऑब्वियसली द सॉफ्ट की पट ड्रोज वन पेन एट रैंडम एंड गिवस इट टू हर वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की क्या पूछ रहा है सी विल बाय इट सी विट मतलब उसके परचेज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो स्टूडेंट्स चाहे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे आप ये बोल रही थी उसने वो जो एक पेन ड्रॉ किया वो गुड वन आए एक ही बात है चूंकि गुड वन आया होगा तभी तो वो परचेज करेगी तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन ट्वेंटी फोर अपॉन 144 फोर्टी फोर आगे कैंसिल कर सकते हो और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है सी विल नॉट बाय सी विल नॉट बाय इट सो स्टूडेंट्स इसको या तो तुम ऐसे कर सकते हो देखो ये परचेज करने की अब परचेज ना करने की निकालनी है तो इसको वन में से माइनस कर दो या भाई कब नहीं परचेज करेगी उसको जब डिफेक्टिव आएगा डिफेक्टिव कितने हैं ट्वेंटी अपॉन वन फोर्टी फोर कैसे भी कर लो इसको भी वन में से माइनस किया होता तो भी सेम आंसर आया होता सो so, स्टूडेंट्स इस तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कर पाओगे अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है जिसमें दो पार्ट है पहले पार्ट में तो क्या है इस तरीके की टेबल दे रखी है और कह रहे कि इस टेबल को कंप्लीट करो अब स्टूडेंट्स मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले इवेंट सम ऑन टू डाइस मीन्स दो डाइस को थ्रो किया गया है अब उन पे सम क्या आ सकता है एक बार सोच के देखो अगर दो डाइस को थ्रो करो तो पहले डाइस पे क्या आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सीट्स दूसरे डाइस पे भी क्या आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सीट्स में से कुछ आएगा तो मिनिमम सम क्या हो सकता है सर मिनिमम पहले डाइस पे वन आ जाए दूसरे डाइस पे वन आ जाए तो उन दोनों का सम मिनिमम होगा टू और मैक्सिमम कितना होगा ट्वेल्व होगा और टे स्टूडेंट्स अच्छा एट डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं टोटल दैट इज सिट्स तो दो बार थ्रो किया है तो सिक्स इन टू सिक्स क्योंकि पहली बार भी सिक्स और दूसरी बार भी सिक्स मैंने समझाया था जैसे वन के साथ वन आ सकता है दोनों बार वन आ जाए फिर वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स फिर इसी तरह पहले पे टू आए दूसरे पे वन आ जाए टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स ऐसे ही पहले पे थ्री आए फिर थ्री के साथ दूसरे पे वन आ जाए थ्री आए दूसरे पे टू आ जाए थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स और इसी तरह फाइव की टेबल बनेगी पूरी फाइव वन फाइव टू और फिर सिक्स वन सिक्स टू ये टोटल होने थर्टी सिक्स सो स्टूडेंट्स जैसे हमसे ये पूछ रहा है कि सम टू आया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है तो इसमें तो डी वन है वन बाई थर्टी सिक्स और ऑब्वियसली बात है एक ही केस हो रहा है जब समू आएगा वन वन तो यही हमारा फेवरेबल केस है तो, तो, तो फेवरेबल केस तो वन हुए और टोटल कितने होते हैं थर्टी सिक्स इसलिए तो ये हमारे बात करी सम टू आने की अब आगे चलते हैं सम थ्री कब आ सकता है जब पहले डाइस पे वन आए दूसरे पे टू आ जाए या फिर पहले पे टू आए दूसरे पे वन आ जाए तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए दो तो दो हमारे फेवरेबल केस अपॉन थर्टी सिक्स सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा टू बाई थर्टी सिक्स उसके बाद हम बात करते हैं ये देखो हमने सम टू आने की बात करी यहाँ पर सम थ्री आने की बात करी अब सम फोर आने की बात करते हैं तो फोर कब आ सकता है देखो शुरुआत से चला करो पहले सबसे छोटा वन के साथ क्या आ जाए थ्री उसके बाद टू के साथ क्या आ जाए टू और उसके बाद थ्री के साथ क्या आ जाए वन कितने केस हुए फेवरेबल तीन अपॉन थर्टी सिक्स तो फोर सम ट आ सकता है फोर सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी थ्री बाय थर्टी सिक्स चलो आगे चलो सम फाइव अब सम फाइव कब हो रहा है जब वन के साथ फोर आएगा या टू के साथ थ्री आएगा या थ्री के साथ टू आएगा या फोर के साथ वन आएगा सो इट विल बी फोर बाय थर्टी सिक्स सो so स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा फोर बाय थर्टी सिक्स ओके okay, चलिए उसके बाद कितना सम करवाना है मुझे सम करवाना है सिक्स तो अब सिक्स सम कैसे आ सकता है दो डाइस सीटें तो वन के साथ फाइव टू के साथ फोर थ्री के साथ थ्री मीन्स पहली बार भी थ्री दूसरी बार भी थ्री और फोर के साथ टू और फाइव के साथ वन टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस कितने हो गए फाइव तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइव बाई थर्टी सिक्स तो यहाँ आ गया फाइव बाय थर्टी सिक्स अब तुम सेवन के बना लेना सेवन के सिक्स बनेंगे तो सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स हो जाएगी एट के जीवन है नाइन के जैसे बना देता हूँ मान लो सम नाइन आए तो ये कब आ सकता है अब वन के साथ कुछ भी आ जाए नहीं आएगा नाइन टू के साथ भी मान लो मैक्सिमम सिक्स आ सकता जा है तो भी नहीं होगा थ्री के साथ सिक्स आए तो ही होगा थ्री के साथ सिक्स इसी तरह फोर के साथ फाइव और फिर थ्री के साथ हो गया फोर के साथ हो गया फाइव के साथ फोर और सिक्स के साथ थ्री ये फोर ही केस हुए फोर अपॉन थर्टी सिक्स तो यहाँ आएगा फोर बाय थर्टी सिक्स अभी स्टूडेंट्स टेन और इलेवन का कर लेना यहाँ पे थ्री बाय थर्टी सिक्स आए इलेवन के दो ही केस बनेंगे या तो फाइव के साथ सिक्स आए या पहले सिक्स आए फिर फाइव आए तो टू बाय थर्टी सिक्स इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करना था और मतलब इजीली कर पाओगे तुम ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुश्किल हो इसके अंदर अब स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के अंदर दो पार्ट गिवन है तो अब सेकंड पार्ट को और डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है उसमें उसमें कह रहा है ए स्टूडेंट आर यूज दैट देर आर इलेवन पॉसिबल आउटकम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसे कह रहा है कि भाई ये टोटल आउटकम कितने थे इलेवन थे ओके okay. तो देर फॉर ईच ऑफ दैम हैज ए प्रोबेबिलिटी वन बाय एलेवन डू यू एग्री अब वो कह रहा है कि भाई टोटल देखो जैसे ये टू है थ्री है फोर है ये सम टोटल कितने हैं इनको काउंट करो ये है इलेवन है तो कह रहा है कि सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी वन बाई इलेवन नहीं होनी चाहिए थी मतलब टू आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय अलेवन थ्री आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई इलेवन नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि तो ये इक्वली लाइटली नहीं है सम समू तो एक ही केस में आता है थर्टी सिक्स में से एक ही केस में आ रहा है देखो और थ्री है वो दो केस में आ रहे हैं जैसे देखो टू का बात है जब दोनों डाइस पे वन और वन आएगा लेकिन थ्री का बात है जब वन टू आ जाए या टू वन आ जाए तो इक्वली लाइटली नहीं है ना ये तो सिर्फ थर्टी सिक्स में से एटी केस पे है ये दो केस पे है ऐसे ये तीन केस पे चार का बात है सम दो डाइस का पहले पे वन आए दूसरे पे थ्री आ जाए पहले पे टू दूसरे पे टू पहले पे थ्री दूसरे पे वन तो बताओ इस तरीके से तो ये इक्वली लाइटली नहीं है इसलिए हम कह देंगे नो वी डू नॉट एग्री और जस्टिफाई कर देना बिकॉज ये जो इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइटली नहीं है प्रोबेबिलिटी वहां इक्वल होती है जहां पे इवेंट्स इक्वली लाइटली होते हैं ओके सो स्टूडेंट्स अब 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 थ्री डिस्कस करते हैं जिसमें क्या जीवन है कोइन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टोस ए वन रूपी कॉइन थ्री टाइम्स एंड नॉट इन इट्स आउटकम ईच टाइम हनी विंस इफ ऑल द दिव द सेम रिजल्ट दैट इज थ्री हेड्स और थ्री टेल्स एंड लूजेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ हनीफ विल लूज सो स्टूडेंट्स पहले आप क्वेश्चन को समझते हैं देखो सबसे पहले बात तो ये बताओ एक वन रुपीज कॉइन है जिसको थ्री टाइम्स टोस किया गया है थ्री टाइम्स ए कॉइन इज टोस्ट यही बोला है उसने चलो तो अब इसका तुम्हें सैंपल स्पेस बनाना आता है बिल्कुल आना चाहिए मैंने कहा था कि पहले दो कॉइन का बना लो जैसे एच 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 टी टी एच और टी टी लेकिन अब दो ये दो कॉइन अगर मतलब दो बार ही टोस्ट किया गया होता ना तो ये सैंपल स्पेस बना होता तो मैंने कहा था दो, दो बार टोस्ट करने वाले को दो बार लिखा दो तो। एच टी टी एच और टी टी अब एट बार तो हाफ केसेस के आगे तो एच लगा दो और हाफ केसेस के आगे टी लगा दो इस तरीके से और चाहिए स्टूडेंट्स तो ये क्या हो गया हमारा सैम्पल स्पेस और देखो जब कोई को एट बार टोस्ट करते हैं तो हमारे दो आउटकम होते हैं तो तीन बार टोस्ट किया तो टू रेस टू पावर थ्री तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हैं एट हो गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देखो इसका मतलब क्या है जैसे एच 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 लिखा है ना तो पहली बार हेड आए दूसरी बार हेड आए तीसरी बार हेड आ जाए यह मतलब है अब देखो हनीफ जीतता है हनीफ हनीफ विंस, जीतता है, बता सकते हो हनीफ कब जीतता है जब दोनों पॉइंट जब तीनों बार सेम रिजल्ट आता है मीन्स या तो हेड 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 आए और क्या आए टेल 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 आए और अदर केसेस में क्या होगा हारेगा वो जब इनमें जीत रहा है तो बाकी जो केस उनमें हारेगा तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हनीफ विल लूज गेम। हनीफ विल विल लूज लूज गेम प्रोबेबिलिटी तो अब ध्यान से सुनना अब उसको हराना है तो हराने के लिए फेवरेबल केस क्या हो गए ये और ये तो उसके गेम विन करने के केसेस थे तो अब ये जैसे फेवरेबल केस है उसके हारने के लिए तीन चार पाँच छः तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल चेज दैट हनी विल लूज इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज इक्वल टू एट सो मैं कह पाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी थ्री बाय फोर होगी एक आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कर पाओगे अगर सैम्पल स्पेस बना पाए तो ओके चलो आगे चलो ट्वेंटी फोर पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में बोल रहा है कि ये डाइस इज थ्रोन टाइस एट डाइस को थ्रो किया है ट्वाइस ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी थर्टी सिक्स सिक्स इंटू सिक्स चलिए वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम अप अपर टाइम पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम मीन्स फाइव नहीं आना चाहिए भाई फाइव नहीं आना चाहिए तो फाइव नहीं आना चाहिए इसके फेवरेबल केस कौन से होंगे जिनमें फाइव आता है उनके अलावा सारे अब देखो स्टूडेंट्स जैसे फाइव है ना वो ट्रम केसेस में आता है तो मैं वो लिख लेता हूँ और उसको थर्टी सिक्स में से मैं माइनस कर लूँगा तो जैसे मैंने क्या कहा जैसे भाई वन के साथ आता है फाइव ऐसे ही टू के साथ भी आता है थ्री के साथ भी आता है फोर के साथ भी आता है फिर फाइव की पूरी वो आती है फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स और फिर ऐसे ही लास्ट में एक और होता है दैट इज सिक्स के साथ आएगा फाइव क्लियर है स्टूडेंट्स अब कह रहा हैं कि फाइव नहीं आना चाहिए मतलब ये केसेस नहीं आने चाहिए तो फिर कौन से आने चाहिए जो बाकी बच रहे अच्छा ये कितने केस हुए एक बार काउंट करो इलेवन हुए तो स्टूडेंट्स जो बाकी के वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन सिक्स टू वन टू टू जो बच गए वो कितने होंगे थर्टी सिक्स में से ये इलेवन केस माइनस कर दूं दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो हमारे लिए इस केस के लिए फेवरेबल इस क्वेश्चन के लिए फेवरेबल केस कितने हो रहे ट्वेंटी फाइव क्योंकि वो ट्वेंटी फाइव ऐसे हैं जिसमें फाइव ना आगे आ, आ रहा है ना पीछे आ रहा है मतलब ना पहले डाइस पे आ रहा है ना दूसरे डाइस पे आ रहा है ट्वेंटी तो फाइव हमारे फेवरेबल केस और टोटल नंबर ऑफ केस दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं फाइव विल कम अप एट लीस्ट वंस मतलब फाइव कम से कम एक बार आना चाहिए फाइव विल कम एट लीस्ट वंस तो स्टूडेंट्स ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है मीन्स इनमें से ये वाले केस ही हमारे क्या होंगे फेवरेबल होंगे फाइव आना चाहिए एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक बार तो ये भी काउंट हो रहा है ये तो दो बार आ रहा है तो स्टूडेंट्स के आंसर हो जाएगा इलेवन हमारे फेवरेबल केस हो रहे अपॉन थर्टी सिक्स इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे ओके स्टूडेंट्स अब एट क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट करेक्ट गिव रीजन फॉर योर आंसर सो स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट जीवन ट्रू और फॉल्स बता रहे तो पहला इफ टू कॉइंस आर को देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स टू हेड्स टू टेल्स और वन वन ऑफ ईच दे आर फोर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटीज वन बाय थ्री नहीं फॉल्स है और ध्यान से सुनेंगे ट्यू फॉल्स है जब एक पॉइंट को दो बार टोस्ट करते हैं दो पॉइंट को एक बार टोस्ट करते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनता है ना वो ये बनता है हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल अब सर उसने भी तो यही कहा कि तीन आउटकम होते हैं या तो दो हेड आते हैं या दो टेल आते हैं या वन ऑफ ईच मीन्स हेड टेल या टेल हेड लेकिन स्टूडेंट्स हेड टेल और टेल हेड एक आउटकम कंसीडर नहीं किया जा सकता ये दो अलग अलग है इसका मतलब है पहले हेड आया बाद में टेल आया और इसका मतलब है पहले टेल आया बाद में हेड आया समझ रहे बात को तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी हर इवेंट की वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर होगी ओके चूंकि चार हैं तो एक की प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर होगी तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ फॉल्स हुआ चलिए सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर और डिस्कशन करते हैं जिसमें क्या बोल रहा है इफ ए डाइस इज थ्रोन देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स एन ओड नंबर और एन इवन नंबर दे आर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इन ओड नंबर इज वन बाई टू यस ये ट्रू है देखो डाइस को थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब एक्चुअल में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर निकालो तो फेवरेबल केस हो जाएंगे वन थ्री फाइव मीन्स थ्री अप ऑन सिक्स प्रोबेबिलिटी विल बी वन बाई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इन इवन नंबर तो इवन नंबर भी टू ऑन ओनगे टू फोर सिक्स थ्री फेवरेबल केस अपॉन सिक्स दैट इज़ वन बाई टू सो ये इसलिए भी सही है क्योंकि देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः नंबर लिखे हुए थे हाफ नंबर इनमें से इवन है हाफ नंबर इनमें से ओड है तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है वन बाई टू वन बाई टू होगी ओके स्टूडेंट्स सो हमने एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट वन कम्प्लीट कर ली है और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम्प्लीट आवर ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर बिकॉज स्टूडेंट्स मैंने पहले भी क्लियर किया है ये चैप्टर हमें आगे भी पढ़ना है और इसमें से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज थी उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखे हैं तो थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे